स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। वैक्सीनेशन महाअभियान के वर्ल्ड रिकॉर्ड पर प्रदेश भाजपा कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए आज राज्यसभा सांसद ज्योतिराज सिंधिया ने कहा कि इस कीर्तिमान का श्रेय हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और प्रशासन को जाता है, और जो लोग वैक्सीन को लेकर अफवाह फैला रहे थे आज वही लोग भाग भाग कर वैक्सीन लगवा रहे हैं। विपक्ष के कुछ लोग वैक्सीन पर राजनीति कर रहे हैं, उन्हें जनता आने वाले चुनाव में आईना दिखाएगी। कि जो महामारी के वातावरण में भी कांग्रेस राजनीति ढूंढती है, और इसलिए कांग्रेस का आज हाशिए ये हो चुका है। और मैंने तो ये कहा है कि अगर कांग्रेस अपने आप को नहीं उभारेगी तो जनता के दिल में कभी स्थान नहीं पाएगी, और कांग्रेस जो डूबती हुई जहाज है वो और डूबती ही चली जाएगी। सर, मध्यप्रदेश सरकार आने वाले समय में बिजली महंगी करने की तैयारी में, तो कितना सही मानते कोरोना काल में 8 से 10 बिजली महंगी होने की तैयारी? मुझे इसकी सूचना नहीं है, पर जो भी है आपको ये भी सोचना है कि इस कोरोना के आधार पर वित्तीय संकट पूरे विश्व में आया है, केवल मध्यप्रदेश में नहीं आया, केवल भारत में नहीं आया, पूरे विश्व में आया है। और अंत में अगर जन कल्याण की योजनाओं को हमें आगे बढ़ाना है तो घर का बुक्स को भी तो बैलेंस करना पड़ता है। अगर मैं आपको कहूं कि आपके घर में कोई आय ना हो लेकिन आपके घर में खर्चा ही हो तो क्या आप अपना घर चला पाओगे? वैसे ही प्रदेश में, देश में, विश्व में हम लोगों को बुक्स को बैलेंस करना ही पड़ेगा। अब जितने जन कल्याण योजनाएं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने चलाए हैं, दिवाली तक राशन फ्री में बटेगी उदाहरण के तौर पर, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में इतनी जन कल्याण योजनाएं बनी हैं, साथ में साथ विकास करना है, प्रगति करना है, अधोसंरचना को बढ़ाना है, औद्योगिकरण करना है, तो कहीं ना कहीं हमें बुक्स को बैलेंस भी तो करना पड़ेगा। और ये हर व्यक्ति या हर महिला जो गृहस्थी चलाते हैं, चाहे महिला हो या पुरुष हो, दोनों समझते हैं। और वही हम लोगों को प्रादेशिक स्तर पर करना है, राष्ट्र स्तर पर करना है और विश्व स्तर पर करना है। कि जो महामारी के वातावरण में भी कांग्रेस राजनीति ढूंढती है, और इसलिए कांग्रेस का आज हाशिए